के अगले सीएम के तौर पर शपथ लेने जा रही आतिशी को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बीते मंगलवार को आतिशी के दिल्ली सीएम चुने जाने के बाद उन पर राजनीतिक हमला तेज हो गया है। आतिशी के दिल्ली सीएम बनते ही विरोधियों ने अफजल गुरु और गिलानी का पिटारा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आतिशी पर पहला हमला बोला है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि आतिशी के माता पिता आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए लड़े थे। दावा है कि आतिशी के पिता के संबंध संसद हमले के एक और आरोपी SAR गिलानी से भी रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्वाति मालीवाल ने लिखा, दिल्ली के लिए आज बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया गया है जिनके परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी। उनके माता पिता ने आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए माननीय राष्ट्रपति को दया याचिकाएं भी लिखी। स्वाति मालीवाल ने आगे लिखा, आतिशी के माता पिता के हिसाब से अफजल गुरु निर्दोष था और उसको राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था। वैसे तो आतिशी सिर्फ डमी सीएम ही है, फिर भी ये मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान दिल्ली की रक्षा करे। इस मामले में स्वाति मालीवाल का बयान भी सामने आया है। आइए सुनते हैं उन्होंने आतिशी के परिवार को लेकर क्या कहा। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मार्लेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पेटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष है, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मार्लेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल ने वो चिट्ठियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डाली जिसमें आतिशी के माता पिता ने अफजल गुरु को फांसी दिए जाने का विरोध किया था, जिसके बाद दिल्ली के बीजेपी सांसदों ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा, बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अफजल गुरु मसले को लेकर आतिशी पर तीखे प्रहार किए हैं। दिल्ली बीजेपी उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने आतिशी के सीएम चुने जाने पर हमला बोलते हुए एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, आतिशी के परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु की फांसी रुकवाने का प्रयास किया था। नक्सली मानसिकता को बैकडोर से दिल्ली पर थोपने का पाप केजरीवाल कर रहे हैं। देखिए, पूरा 4.5 साल, 4 साल 8 महीना अरविंद केजरीवाल ने एक कार्यकाल में और 5 साल एक कार्यकाल में और 13 महीने एक कार्यकाल में, 49 दिन एक कार्यकाल में, तो इतना दिन तक तो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को लूटा, दिल्ली को रुलाया, दिल्ली की सड़कों में गड्ढा बनाया, दिल्ली के स्कूलों में 5 लाख का कमरा 25 लाख में बना के लूट की, दिल्ली को शराबी बनाने की कोशिश की, शराब घोटाला किया। जब कोर्ट ने उनको बेल भी दिया तो बेल देने से पहले सीएम पद से सस्पेंड कर दिया एक प्रकार से, क्योंकि कह दिया आप सीएम की फाइल पे साइन नहीं कर सकते, सीएम ऑफिस नहीं जा सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप सीएम नहीं, यू आर नो मोर अ सीएम ऑफ NCT दिल्ली। अब मजबूरी जब हो गई तब ये आदमी लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए बोलता है मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अगर तुम मुख्यमंत्री हो ही नहीं तो इस्तीफा किस बात का, कोर्ट ने आपको सस्पेंड कर दिया। अब सोचिए दूसरी बात, 9 साल 8 महीना खुद राज किए और जब अंत आता है तो एक महिला को बिठाया है 2.5 महीने के लिए। यही इनका महिलाओं से प्रेम है कि हम 9 साल 8 महीना रहेंगे और लास्ट में तुमको बिठा देंगे। चलो, हम आतिशी जी को बधाई देते हैं, हम दिल्ली के सांसद हैं, मुख्यमंत्री पद पे जो भी आया,
लेकिन मेरी आज चार बातें करना चाहता हूँ। शराब घोटाले में कितने का नुकसान हुआ रेवेन्यू का, आतिशी जी तुरंत जांच बिठा के बताएं। जो सड़कें टूटी हैं, गड्ढे हो रखे हैं, उसको तुरंत 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर ठीक करा सकते हैं, अगर चाहें तो कराएं। जो स्कूलों के कमरे कड़ी कुंडी वाले 5 लाख में बनने वाले 25 लाख में बने, उसका पैसा वापस करें। हमारे दिल्ली के नालों को ना सफाई होने से जो बच्चे मर गए, उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा दिलाएं। और हमारे गांव के लोगों का जो सुख चैन गया है, उसको करने के लिए वो दिल्ली के गांवों में घूमे, उनके साथ बैठें। इन सारी चीजों को अगर कर सकते हैं, टैंकर माफियाओं पर लगाम लगा सकती हैं, तो मैं आतिशी जी को धन्यवाद दूंगा, बाकी तो बधाई है। बता दें कि आतिशी और स्वाति मालीवाल के बीच जुबानी जंग का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले स्वाति मालीवाल ने जब सीएम हाउस में उनके पूर्व पीए विभव राय की तरफ से मारपीट करने का आरोप लगाया था, तब आतिशी ने स्वाति पर निशाना साधा था। तब आतिशी ने दावा किया था कि सांसद स्वाति मालीवाल को बीजेपी ने कथित तौर पर ब्लैकमेल कर सीएम केजरीवाल के खिलाफ साजिश का हिस्सा बनाया। बता दें कि आतिशी को अरविंद केजरीवाल ने अपना उत्तराधिकारी चुना है। आम आदमी पार्टी विधायक दलों की मंगलवार को बैठक में अरविंद केजरीवाल नहीं आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव पर सभी ने सर्वसम्मति से हामी भी भर दी। सीएम पद की रेस में सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत और राखी बिरला समेत कई नाम थे जो अब पिछड़ गए।